कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है फेक एकेडमी के ऊपर, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर बताई थी कि बनाऊंगा। जो लोग मुझे नए देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। जो भी नई चीज़ें होती हैं आप लोगों से राय वहीं पूछता हूं मैं। तो फेक एकेडमी के ऊपर आज की वीडियो है, वीडियो दिखा कर बताऊँगा। और हाँ, पहले ये सुन लें, अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सपोर्टर इनके भी आएंगे, ये मेरे से बड़े हैं तो इज्जत में भी बात करूँगा। तो जो इनके सपोर्टर हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं कोई ऐसी ऐरा गैरा निट्ठू गैरा लड़का नहीं हूं। इंटरनेशनल मेडल भी हैं, नेशनल मेडल भी हैं, और अंडर 16 से लेकर 20 मेडल हैं लगातार 5 साल तक, ठीक है ना। अंडर 16, 18, 20 तीन कैटेगरी में मेडल हैं। भगवान की दुआई तो अब सीनियर आए हैं तो मेंस में भी मेडल देंगे मेहनत करके। तो वीडियो बनाने का बस ये मकसद है, गाँव वगैरह शहर में काफ़ी बच्चे हैं जो कि वीडियो देख के सीखते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी फेक वीडियो से बच्चे गलत राह पे ना जाएं, क्योंकि पता क्या होता है यार, काफ़ी जगह जो है ऐसा होता है कि कोच नहीं होता, वो उनका यूट्यूब ही सारा होता है, ठीक है ना। और जब उन लोगों की ये वीडियो देख कर ऐसी चीज़ें करके टाइमिंग नहीं आती ना, उनका दिल टूट जाता है। आप लोगों को तो व्यूज चाहिए, आपने पब्लिक इकट्ठी कर ली है, पर उन लोगों को व्यूज से मतलब नहीं है, उन्हें अपने देश का तिरंगा और इंडियन आर्मी प्यारी है, इसलिए वो तुम्हारी वीडियो देखते हैं। तो झूठ मत बोला करो, ठीक है ना। इनका है जो नीचे टाइटल है, माँ कसम 40 सेकंड में दौड़ मारेंगे ओनली ये 3 एक्सरसाइज से। माँ कसम खाने की यार क्या बात है इसमें है। आप जो भी हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है आपका, खैर आपके एकेडमी का भी नाम नहीं लूँगा, इतना भी मैं बदनाम नहीं करता किसी को। 70,000 लोगों ने देखा, 70,000 लोगों में से अगर 70 की 70 टाइमिंग नहीं आई तो आपकी तो माँ कसम झूठी हो गई। अब माँ कसम झूठी हो गई है तो आप मुझे बताओ तो यार, फिर ये अच्छी बात ना है ना, माँ को ऐसे बीच में लाना। सब किया मैं तो ना खाऊंगा अभी ज़िंदगी में। अब ये सुन लो, और मेरे जितने व्यूअर, मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार मुझे ये बता दो, कभी 3 एक्सरसाइज से टाइमिंग आई है? 3 एक्सरसाइज से टाइमिंग आई है? अगर 3 एक्सरसाइज से टाइमिंग आती तो मैं तो भैया 6 एक्सरसाइज करके कुछ कर देता, दुनिया तो 10-10 कर देती। 3 एक्सरसाइज से कभी टाइमिंग ना आती है, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे एक्सरसाइज करनी पड़े। अब इनकी वीडियो चलाते हैं हम, चलते हैं आगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, भाई लोग यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जब रनिंग करते तो हमारे लॉन्ग स्टेप में आ पा रहे हैं, हम क्या करें दोस्तों। देखो अब इन्होंने लॉन्ग स्टेप की बात कर दी है, पहले देखते जाना, अब इनकी बातें देखना कहाँ कहाँ घूमेंगी। माँ कसम 40 सेकंड में आएगी, अब लंबे पैर पे आ गए कि लंबे पैर कैसे खोले इन 3 एक्सरसाइज से। रुको, 3 एक्सरसाइज लेके आया हूँ, और कभी ये 3 एक्सरसाइज आप रिपीटेशन पे कर रहे हो और रेगुलर कर रहे हैं। हाँ रुको, तो मैं बताऊंगा, मैं नियमित रूप से आपको वर्क करना पड़ेगा। पहले एक्सरसाइज सुन लो इनके, बाहर वाले दोस्तों, कभी आप इस तरह बाहर मार रहे हैं, आप देखिए फुल बॉडी स्ट्रेच है दोस्तों, यहाँ पर पूरा पैर आपका जा रहा है, वहां पर पूरा ये 1 होल 2 फुल बॉडी स्ट्रेच, ये पूरा जाके मारना। देखो आप जाके देखो दोस्तों, जल्दी बोलो यार, इस तरह आप जाके मारेंगे तो आप बोल देना आप मुझे हटा। जब आप बोल देना साइड कोर बहुत ज्यादा पेन करता है, रनिंग करते समय पेट बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, ये वाली प्रॉब्लम है तो हो जाएगी। और क्वेश्चन बनाइए वापस। एक बात बताओ भाई मुझे, अभी तक तुम लॉन्ग स्टेप पे, तुम्हारे लॉन्ग स्टेप तो पहले एक्सरसाइज में कहीं भी ना आए, तुम्हारी पेट की प्रॉब्लम आ गई, साइड की प्रॉब्लम आ गई, पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस एक्सरसाइज फॉर बैक, ठीक है ना, पेट की स्ट्रेच होती है, पर ये एक्सरसाइज आती है बैक के काम और लेग्स को स्ट्रेच करने का काम, ठीक है, पेट के काम नहीं आती। पेट की जो समस्या दूर होती है ना, वो कोर एक्सरसाइज से होती है। कोर एक्सरसाइज, होल्ड की एक्सरसाइज, साइड होल्ड, प्रैंक होल्ड, बहुत सारे होल्ड होते हैं, बताऊंगा नहीं, कम से कम 1 घंटे की वीडियो होती है मेरी, देख लेना, उनसे पेट की समस्या दूर होती है। 1-2 एक्सरसाइज से नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों पैर अंदर लीजिए, अब पुश, कभी ये वर्कआउट आप करेंगे दोस्तों, आप बोल देना सर रनिंग करते। मेरे को एक बात बता दो, इसमें लॉन्ग स्टेप कहाँ खुल रहे हैं तुम्हारे, जो 40 तो मैं बाद में लाऊंगा, इसमें लॉन्ग स्टेप का कहाँ काम है? ये तो ये भी बैक की एक्सरसाइज है, सच बोलना, ठीक है ना, ये भी बैक की एक्सरसाइज है ना, पर इसमें लॉन्ग स्टेप का कहीं काम ना है। तुम्हारी 2 एक्सरसाइज हो गई, दोनों में से कोई सी लॉन्ग स्टेप के काम नहीं है। साइड कोर दर्द करता है, ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा रेगुलर। अब हो जाएगी लास्ट ऑफ, अब नो बताओ, अब भी लॉन्ग स्टेप की बात ना हुई है, अब साइड की बात करती, साइड की भाई साहब माँ कसम झूठी गाई है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम देखो तो सही हो, पर यार मैं बता रहा हूँ संभल कर फॉलो करा करो। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे इनसे कोई बहस है, पर जो चीज़ मुझे गलत लगेगी उसके बारे में बोलूँगा, अब मेरा ये काम है और कुछ काम ना मेरा। एक्सरसाइज हम अंदर लेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेच, क्वेश्चन बनाइए, ये
एक बात बताओ मुझे यार, सारी बैक की एक्सरसाइज बता दी, ये बैक पेन के भी काम आती हैं और ये जो है कोर के भी काम आती हैं एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत कोर के काम आती हैं पर ज़्यादातर बैक के काम आती हैं। मुझे बता दो लॉन्ग स्टेप कहाँ हैं भाई, मुझे सच्ची बताना, लॉन्ग स्टेप की बात कही थी मैंने, सुनाई थी बकाया था, लॉन्ग स्टेप की कोई बात ना, और 4:40 ना इन तीनों एक्सरसाइज से आ जाए ना तो भाई साहब मुझे ब्लॉक मार के सारी चीज़ें कर दियो, ठीक है ना, इतना समझदार तुम भी होगे, इन तीन एक्सरसाइज से कोई सी भी एक्सरसाइज ना है यार, रहन दो, माँ कसम भी माँ भी लिया बीच में, और जनता तुमने जोड़ तो लिया है ठीक है ना, पर जो नॉलेज है ना गलत मत बांटो यार, तुम कुछ भी करो मैं मानता हूँ आर्मी की पब्लिक की भर्ती की ज़्यादा नॉलेज होगी तुम्हें, या तुम्हें क्या कहते हैं कलर विजन की ज़्यादा नॉलेज होगी मुझसे, मैं मानता हूँ मैं उन चीज़ों पर वीडियो ही नहीं बनाऊँगा जो मुझे पता ना है, पर ये चीज़ गलत है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, तुम्हारी तीन एक्सरसाइज होगी दिखा दिए थे मैं ठीक है, अब मुझे आगे की वीडियो बनाने की जरूरत ना, तीन एक्सरसाइज पूरी होगी है, तुम्हारी माँ का संभी झूठी हो गया मैंने साबित कर दी है, तुमने लॉन्ग स्टेप की कही एक भी एक्सरसाइज लॉन्ग स्टेप की नहीं निकली, तीन एक्सरसाइज पूरी हो गई, तो कृपया करके हाथ जोड़ता हूँ ऐसी वीडियो ना बनाया करें जिससे जो है आपका मैं भांडा फोड़ूं। अभी तो बहुत सारी वीडियो हैं, तुम्हारी कॉफ़ी वाली वीडियो पर भी वीडियो बनाऊंगा, कॉफ़ी पी के 4:40 आई है, और ये नारेबाजी जैन दोस्तों भी बंद करवाऊंगा ठीक है, और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है आपसे, ना मेरी कोई दुश्मनी है, कभी तुम मेरा मुझे मैसेज करो या कुछ कॉल करो ठीक है ना, बस जो चीज़ गलत लगेगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं डरता किसी से नहीं भाई, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने टाइमिंग अच्छी करने के लिए 10,000 रुपये का जूता मंगवाया है ठीक है, हम पागल नहीं है 10,000 रुपये फूक रहे हैं ठीक है भाई, जापान से जूता मंगाया, इंडिया में मिलता भी नहीं है, अगर मिले तो ढूंढ लियो पूरी वेबसाइट में, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा ठीक है, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, तीन एक्सरसाइज के साथ हम भी अगली बार आएंगे ठीक है, और जो नए हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लव यू ऑल।